8th वन वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही भी वन Change your row one as row one plus p times of row three and change your row two as row two minus a times of row three. तो क्या होगा b टाइम्स ऑफ रो थ्री, तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका b मल्टीप्लाई होके प्लस वाई तो जीरो हो जाएगा, इसमें b मल्टीप्लाई होके प्लस वाई तो कितना होगा, b कॉमन रखूंगा माइनस b कॉमन रखेंगे देन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट, इसमें b मल्टीप्लाई हुआ, b मल्टीप्लाई होके प्लस हुआ इसके साथ, तो मैं माइनस b कॉमन ले लेता हूं, माइनस b कॉमन रखेंगे तो ये होगा प्लस टू माइनस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट ना, देन रो टू चेंज अस रो टू माइनस ए टाइम्स ऑफ रो थ्री तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस ए टाइम्स ऑफ रो थ्री प्लस प्लस टू ए स्क्वायर हो गया, मतलब वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन माइन ए मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए का मन दे देंगे, नहीं टू टू माइनस नहीं ये सिर्फ ए का मन रखेंगे, देन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर बी इनटू नो क्या बोल रहे हो, b into 1 minus a square minus b square नहीं होगा, अच्छा 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 थर्ड ऐसे ही था क्या, एक मिनट नहीं थर्ड वन ये था ना, b नहीं था आने वाला, इसमें जब b मल्टीप्लाई नहीं मैंने b मल्टीप्लाई लिख दिया था ना तो इसलिए b रहेगा, इसमें ये केस में मैंने इसमें b लिखा था, ठीक है जब इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो इधर b लिखा था, तो b इसमें क्या रहेगा, b नहीं रहेगा, अभी बराबर ना, यस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम रो वन फ्रॉम रो टू दोनों में ले लिए, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो वन एज वेल एज रो टू, देन वन जीरो माइनस बी जीरो वन ए
then 2b minus 2a 1 minus a square minus b square. आप सीधा कर सकते हो, नहीं तो इसको लाने तो क्या कर सकते, टू टाइम्स करके प्लस करेंगे, ये टू टाइम्स करके माइनस कर देंगे, तभी भी हो जाएगा, ठीक है ना। विदाउट एक्सपेंड में लाना है भी कर सकते हैं, चेंज योर रो थ्री आज रो थ्री कर दिया है, क्या कर दिया बोल रहा है, प्लस ए आर टू माइनस प्लस टू टाइम्स ऑफ रो वन है ना, बी इंटू रो वन नहीं, प्लस करेंगे ना, नहीं होगा, माइनस टू करेंगे तो ये टू बी स्क्वायर आ जाएगा ना, तब भी जाके प्लस बी स्क्वायर होगा। सर आप उसको जीरो ही बना दो ना, मतलब से वन रखो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हटा दो, ए स्क्वायर नहीं, ये ऑटोमेटिक ये जीरो हो जाएगा, लेने वो जीरो करना, सभी सॉल्व ही कर देना सर, सॉल्व करना, इधर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं और एक बता देता हूँ, मतलब ये प्लस एक मिनट, इसमें ही प्लस कर देते हैं, इसका टू टाइम्स टू ए इंटू रो टू, चेक कर, रो थ्री चेंजेस रो थ्री माइनस टू बी इंटू रो वन प्लस टू इंटू रो टू, तो इसमें टू बी मल्टीप्लाई किया गया, माइनस किया गया, टू बी मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया, तो ये जीरो हो जाएगा। यस सर, तो ये प्लस टू टाइम्स ऑफ टू ए करके रो टू किया गया, तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये भी जीरो होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरा टारगेट था कि वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना, ठीक है, तो ये आज इट इज आ गया। यस सर, तो थर्ड रो वाइज हम इसको एक्सपेंड करेंगे, दिस वन इनटू वन ओनली, तो आ गया क्यूब। समझाइए। यस, prove that a b minus c c plus b ये नहीं होता है क्या, ये क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाउ टू गेट ए प्लस बी प्लस सी, क्या करने से,
रो वाइज और कॉलम वाइज कुछ करने से ए प्लस बी प्लस ही होता है क्या? दिस प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 ले लो, रो 3 को रो 3 माइनस रो 2 ले लो। रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 और रो 3 को रो 3 माइनस रो 2 रो 1 माइनस रो 2 माइनस सी ए प्लस बी ए प्लस सी बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी ए प्लस सी तो अभी 2-0 बन जाएगी। तो 2-0 बन सकता हूँ ये दोनों को ए और योर माइनस सी माइनस सी ठीक है। एबीसी आ गया दो बार अब चेंज करो कलम वन चेंजेस कलम वन माइनस कलम टू कलम थ्री चेंजेस कलम थ्री माइनस कलम टू नो कलम टू चेंजेस कलम टू माइनस कलम थ्री 1-0 आया इधर 1-0 आया पर नीचे भी तो 1-0 आ गया नीचे बट यहाँ पे ए प्लस सी माइनस भी हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट काम नहीं करेगा क्या? ये इतना फायदा कहाँ हो रहा है? होगा ऐसा नहीं नहीं होगा सर। एक कह सकते हैं कि कॉलम वन को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर कॉलम टू को बी से मतलब फिर कॉलम वन प्लस बी बी सी टू प्लस सी सी थ्री फिर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं नहीं सर मतलब कॉलम वन को ए से कॉलम बी टू को बी से मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना सर बट फिर उतना ही सॉल्व उससे ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, इससे ज़्यादा हो जाएगा उसमें। नहीं सर फिर वो 1-1-1 आ जाते हैं तो 2-0 आ जाते हैं इसमें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एस सी क्या चाहिए था एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर। इसको कर देता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस बी सी कर देता हूँ, ये इसमें सी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी बी सी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये बी स्क्वायर, इसमें सी मल्टीप्लाई किया, इसमें ए मल्टीप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सी स्क्वायर। हम लोग ये कर सकते हैं ना, चेंज करो कॉलम वन चेंजेस कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, ठीक है, तो ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देगा, सी स्क्वायर हां, तो अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन अपॉन एक एबीसी भी है, देन 1 1 1 बी स्क्वायर माइनस बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर, कभी हो जाएगा, ट्रिपल वन आ गया ना, डबल जीरो तो हो जाएगा, एंड इसमें क्या होगा आपको हेल्प करेगा, बी स्क्वायर से हमेशा कैंसिल हो जाएगा, इसमें सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बी और सी कॉमन ले सकते हैं, बी सी कैंसिल हो जाएगा, फिर ए बी सी जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, so that the value of determinant tan of a plus b, tan of b plus c, tan of c plus b, u r vanishes for all values of a b c p q r where a plus b plus c plus b plus q plus r equal to zero. मतलब ये determinant zero show करेंगे whenever a plus b plus c plus b plus q plus r equal to zero. क्या करेंगे सर,
रो वन रो टू रो थ्री ऐड कर देंगे तो फिर जो समेशन ऑफ टैन आएगा तो उसको हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में लिखेंगे, तो फिर साइन ऑफ 3a प्लस b प्लस q प्लस r अपॉन साइन a मतलब कॉस a कॉस b कॉस q कॉस r ऐसे आएगा, और ऐसे ही कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 इनटू जो गिवन इक्वल टू 0 है वो आ जाएगा, तो इसलिए 0 आ जाएगा। पहले क्या बोल रहे हो रो वन? तो इसे साइन कॉस की जरूरत ही नहीं सर, अगर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 तो समेशन tan x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan x लिख देंगे, फिर सब कॉमन निकाल दे देंगे। ऐसा भी तो नहीं, क्या बोल रहे हो? बट ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, ये फिर चेंज हो जाएगा। x plus y plus z equal 0 then summation of tan x equal to product of tan x, correct है? Then इसमें क्या करोगे? नहीं सर, अगर आप डिटरमिनेंट लिखोगे तो सर वो जैसे भी मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, आप उसको मतलब tan x में लिख दोगे समेशन, तो उससे सब कट हो जाता। Yes, that one correct. तो आपका first determinant मतलब first ये क्या होगा? Tan of a plus b into tan a plus b into ये, तो ये multiply कर दूंगा तो ये हो जाएगा tan of b plus q into tan of c plus r minus of tan of a plus b into tan of b plus r into tan of c plus q. यहाँ पे x plus y plus z is equal to 0, ठीक है, मतलब ये तीनों का सम 0 दे रहा है। हाँ सर, तो ये फिर आप इसे सब का सम लिखते रहोगे फिर सब 0 हो जाएगा। ओके, इसके जगह लिखोगे आज a plus b plus b plus q plus c plus r is equal to 0, so you can write product of these three, you can write that sum tan of a plus b plus tan of b plus q plus tan of c plus r, ठीक है ना, minus ये वो तीनों का minus कर दोगे, tan of a plus b minus tan of b plus r, तो हम जिसको मल्टीप्लाई किया ना उसको वो सम में लिख देंगे, ठीक है, तो मैं तीनों को एक्सपांड करूंगा अभी, इसको मतलब सेकंड टर्म माइनस ऑफ सेकंड कर देता हूं और प्लस थर्ड, करेक्ट, अभी इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सब सब तीनों का सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये होगा माइनस ऑफ टैन सी प्लस क्यू। सेकंड केस में क्या होगा, ये इनटू दिस थ्री, तो ये तीनों माइनस में जाएगा, माइनस टैन ऑफ बी प्लस सी बी प्लस बी माइनस टैन ए प्लस क्यू
माइनस टेन सी प्लस आर, बाकी ये तीनों प्लस में होगा, टेन ऑफ बी प्लस पी प्लस टेन ऑफ ए प्लस आर प्लस टेन ऑफ सी प्लस क्यू, लाइक दैट। थर्ड वन होगा टेन ऑफ सी प्लस क्यू, सी प्लस पी इंटू ए दो, ए दो मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट सम होगा, प्लस टेन ऑफ ए प्लस क्यू प्लस टेन ऑफ बी प्लस आर माइनस टेन ऑफ सी प्लस पी माइनस टेन ऑफ ए प्लस आर माइनस टेन ऑफ बी प्लस क्यू। देखो सब कैंसल होगा, टेन ऑफ बी प्लस क्यू ये माइनस, टेन ऑफ सी प्लस आर टेन ऑफ बी प्लस आर प्लस टू ये टेन ऑफ सी प्लस क्यू टेन ऑफ बी प्लस पी ए प्लस क्यू ए प्लस आर सी प्लस पी है ना, सब कैंसिल हो गया जीरो। थर्ड साइड इज इंडिपेंडेंट, वही यूज करना है कि समय इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमेशा वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं दिलाएगा, बट हमें जो भी तीन टर्म्स मिल रहा है वो तीनों का एंगल तीनों का सम हमेशा जीरो हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री इक्वल टू सम ऑफ दैट थ्री। समझा? इलेवन ट्वेल्व थर्टीन प्रेस द डिटर्मिनेंट्स,
ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स होगा, फर्स्ट वन बीसी आ रहा है, सेकंड वन बी डस सी डस, नहीं बी सी डस, ऐसा जीरो जीरो नहीं इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में कुछ रखो ना। नहीं तो दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं, हाँ सर शायद उससे हो, बट उसमें क्या फायदा होगा? पर मैंने दो डिटरमिनेंट्स बना के ट्राई किया था पर एंड में जाके फंस गया। हाँ सर मैंने, हाँ सर दो डिटरमिनेंट, कहीं ना कहीं ये दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट बन सकता है। मैंने ये डिटरमिनेंट भी ट्राई किया तो भी नहीं हो रहा था, तो सर प्रोडक्ट्स ही होगा शायद। और तो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, ये मुझे प्रोडक्ट वाला दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं ये जीरो, ये तो ऐसे तीनों जीरो नहीं होगा। एक्चुअली पोजीशन नहीं ले रहा है,
इसके साथ बी सी ठीक है करता हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे लगे लग रहा है टाइम जा रहा है। अभी 12 करते हैं फिर देखते हैं। कुछ एबीसी मल्टीप्लाई करके देखे तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करे तो अच्छा एबीसी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। हाँ सर मतलब एक एबीसी सर एक जगह पर हाँ वो भी एक ऑप्शन है। हाँ सर से आता है बट थोड़ा लंबा लीनियर टर्म्स आता है मतलब सिंगल टर्म्स आता है सर। हाँ सर एडिशन करके स्प्लिट कर देंगे तो फिर पोस्ट वाले कॉलम में डबल जीरो बना के नीचे वाला एलिमेंट वन बचेगा तो लंबा हो जाएगा पर आ सकता है। हाँ सर फर्स्ट में ए मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बी मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड सी मल्टीप्लाई करेंगे है ना। ए बी सी कॉमन चला जाएगा वो 1 1 1 आ जाएगा। हाँ सर वैसे इसमें क्या रहा ए बी सी डस है ना देन ए बी डस सी डिटरमिनेंट को तोड़ दो ना सर बीच में। हाँ डबल डिटरमिनेंट करेंगे। हाँ सर फिर जो सेकंड वाला आएगा उसमें आप ए डैश बी डैश सी डैश बना सकते हो। हाँ सर ठीक है देखते ये होगा एस सी ए डैश नहीं नहीं बी सी ए डैश प्लस ए बी सी डैश देन बी ए डैश सी डैश then SCB does then BCA does double zero तो ला सकते हैं। ये दोनों का difference में क्या रहेगा अच्छा ABC does cancel हो रहा है ना। हाँ सी कॉमन ले सकते हैं ये दोनों से क्या कॉमन होगा सी 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 कॉमन जाएगा तो ए बी डस माइनस ए डस बी अच्छा इधर सी डस कॉमन जाएगा तो ए बी डस माइनस ए डस बी ओके हो गया तो रो टू चेंज आज रो टू माइनस रो वन एंड रो थ्री चेंज आज रो थ्री माइनस रो वन तो क्या मिलेगा 1 0 0 ये आपका ए बी सी डस प्लस ए डस ए बी डस सी आपका ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो डिटरमिनेंट मत बनाओ ये दोनों कैंसिल हो रहा है और ये दोनों से कमान क्या जाएगा आपका सी कॉमन जाएगा सी कॉमन जाएगा तो देन यू हैव ए डस बी माइनस ए बी डस करेक्ट ए बी डस सी डस इसमें सी डस कॉमन जाएगा देन ए डस बी माइनस ए बी डस तो दैट ये पूरा कॉमन जाएगा ओके ये आंसर मिल जाने के बाद पता चलेगा वो इधर ये मल्टीप्लिकेशन की नहीं है रो थ्री माइनस रो वन कर रहा हूं ये दोनों का डिफरेंस में कौन जा रहा है सर बी कॉमन अच्छा तो रो थ्री मत ये करो पहले रो थ्री चेंजेस रो थ्री माइनस रो टू करो क्योंकि इसमें कुछ माइनस है जो हो रहा है ना फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है एक टर्म कैंसिल हो रहा है ए सी बी डैश कैंसिल हो रहा है ना
अच्छा एच सी बी डैश ओके ओके दिस टू कैंसल ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा बी बी कॉमन देन ए डैश बी नो ए डैश सी माइनस ए सी डैश करेक्ट ना ये दोनों बचा और ये दोनों से कॉमन गया बी डैश देन ए डैश सी माइनस ए सी ओके कॉमन ले लेंगे अभी रो टू एंड रो थ्री से कॉमन ले लेंगे ए डैश बी माइनस ए बी डैश एंड कॉलम थ्री से कॉमन सॉरी रो थ्री से कॉमन रखेंगे ए डैश सी माइनस ए सी डैश देन वन ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी डैश जीरो सी सी डैश जीरो बी बी डैश करेक्ट ना तो बचा क्या सी डैश बी सी बी डैश माइनस बी सी डैश ए डैश बी माइनस ए बी डैश then a dash c minus a c dash then c b dash or b dash c minus b c dash ठीक है ना समझा so इसको a minus b b minus c c minus a नहीं तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेट में नहीं है बस यही होगा प्रोडक्ट फॉर्मेट में नहीं होगा करके क्योंकि ऐसा ऐसे पार्टली कुछ डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं होता है समझा ना तो फर्स्ट ये में क्या किए मल्टीप्लाई ए ऑन आर वन बी ऑन आर टू वही किए थे ना यस इसके बाद ये मिला मुझे मैं सोच रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स होगा नहीं होगा इसमें तीन के जगह छह फैक्टर होता तो हो जाता डन ओके ट्वेल्थ वन क्यों नहीं हुआ इट इज गिवन बी प्लस नो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा इसका पावर फोर
तो इसको ए स्क्वायर लेके सॉल्व, यस ये उसका ही स्क्वायर और इस वन, देन सेकंड वन दिया गया गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा प्लस टू फोर, उसका ही स्क्वायर फिर वन, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा प्लस टू फोर स्क्वायर वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्डर में है, इफ आई कंसीडर मुझे वन 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 इसमें चाहिए, एक बार इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा ना ऑर्डर में, तो इट इज कमिंग वन वन वन। मैं इसको ए मान रहा हूं तो ये ए स्क्वायर होगा, इसको बी मान रहा हूं, कंसीडर दिस वन एज ए, दिस वन एज बी, दिस वन एज सी, तो ये होगा ए बी सी, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसमें एक नेगेटिव आ जाएगा ना, ये दोनों फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को मैंने इंटरचेंज किया, तो ये हो गया वन वन वन, और इसको मैंने ए स्क्वायर, ए स्क्वायर टर्म को ए माना तो पावर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कितना था इसका डिटरमिनेंट, क्या था a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है, व्हाट इज योर a माइनस बी, a माइनस a मतलब मैंने बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा का स्क्वायर रखा, b मतलब मैंने गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा इसका स्क्वायर रखा, c मैंने अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इसका स्क्वायर रखा। आपको a माइनस b चाहिए, व्हाट इज द a माइनस b, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों के डिफरेंस में मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो ये दोनों का सम इनटू ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का सम कितना आ रहा है, इफ यू ऑर्डर टू गामा माइनस डेल्टा, हां 2 इनटू गामा माइनस डेल्टा, बीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 इनटू गामा माइनस डेल्टा इंटू ये दोनों का डिफरेंस में क्या आएगा, गामा माइनस डेल्टा मतलब बीटा माइनस अल्फा होगा, है ना, यस सर, तो लाइक ऐसे छह टर्म्स आ जाएंगे, छह भी मतलब एवरी टाइम ये फोर मिल रहा है, फोर इंटू फोर इंटू फोर 64 हो जाएगा, बाकी ये सबका स्क्वायर हो जाएगा, ये अलग आएगा, नहीं 4C2 मतलब 6 टर्म्स ऐसे ही आ रहे हैं, 4C2 आएगा, 4C2 क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ना, 4C2 6 टर्म्स ऐसे ही आएगा, एक रहेगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, देन बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस डेल्टा, देन गामा माइनस डेल्टा, 6 टर्म ऐसे आ जाएंगे, चेक करो ऐसा कुछ है, देखो अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा तीनों है अल्फा के साथ, देन बीटा से स्टार्ट हुआ बीटा गामा बीटा डेल्टा देन गामा डेल्टा, मिला आपको ऐसे मिलेगा अल्फा बीट अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा देन बीटा माइनस गामा बीटा माइनस डेल्टा देन गामा माइनस डेल्टा, ऐसे 4C2 6 टर्म्स, समझाइए, यस और बाकी हर केसेस में 4 4 4 आ रहा है, तीन बार आएगा तो 64 माइनस 64 इनटू दिस, थर्टीन क्वेश्चन तो किए थे ना क्लास में सर, 13 किसी ने नहीं पूछा है।
हाँ सर बाद में आता है किया असाइनमेंट वन में था बट असाइनमेंट वन में ही क्वेश्चन था हाँ सर सेम क्वेश्चन था एग्जैक्ट क्वेश्चन हाँ एग्जैक्ट तो क्या था मतलब नहीं हुआ था क्या वो टाइम पर सर हो गया था वो तो हो गया था इसके सर ऐसे भी तो हुआ था ना हाँ सर हाँ रो रो वन से नहीं तो कॉलम वन से एन फैक्टर कॉमन ले लो हाँ सर सबसे कुछ कॉमन है एन प्लस वन ले लो फिर एन हाँ रो टू से एन प्लस वन फैक्टर ले लो रो थ्री से एन प्लस फोर फैक्टर ले लो हो जाएगा फिर ये हुआ था क्वेश्चन सर 13 तो किसी ने पूछा ही नहीं नहीं 11 12 13 था ना इससे मैंने तीनों को एक साथ काटा पूछा था सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन ऐसे में तीन काट दिया था एक साथ ठीक है a square plus b square plus c square is equal to 1 then so that the value of the determinant simplifies to cos square theta कलम वन में रो मल्टीप्लाई करो सॉरी ए मल्टीप्लाई करो कलम टू में बी मल्टीप्लाई करो कलम सी में सी मल्टीप्लाई करो फिर रो वाइज इसको कॉमन ले लो सो दैट जो ए बी बी सी ऐसा टर्म है ना वो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन किया गया था इसमें कॉस थीटा नहीं था ऐसे टाइप का क्वेश्चन हुआ है वो इसको मैनिपुलेट करके शायद एक क्वेश्चन कर दिया मैं कलम वन में ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ठीक है तो ये ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ए स्क्वायर बी on minus cos theta then a square c on minus cos theta correct isme column 2 mein b multiply kar raha to ab square on minus cos theta isme b into b square plus c square plus a square into 1 plus into cos theta अब कॉमन ले लो कलम वाइज मतलब इसमें ए बी सी कर दिया मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया फिर ए कॉमन ले लो फ्रॉम रो वन से ए कॉमन ले लो रो टू से बी कॉमन ले लो रो थ्री से सी कॉमन ले लो समझा तो यहां से ए हट जाएगा जा रहा है सो दैट जो ए बी एस सी ऐसा था ना वो स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट हो समझाइए
अब इसमें क्या रहा? अच्छा, ये जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यू कैन राइट वन माइनस ए स्क्वायर, है ना? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? वन माइनस ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिर्फ कॉस थीटा बचा. So one minus a square cos theta होगा ना, तो a square क्या होगा? a square into one minus cos theta. a square plus cos theta minus a square cos theta. इसमें रहा ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा. तो ए कॉस थीटा इनटू नो कॉस थीटा प्लस कर देंगे. ए स्क्वायर इनटू वन माइनस कॉस थीटा. अब करेक्ट है? यस. देन ये हो जाएगा cos थीटा इनटू नहीं नॉट इनटू cos थीटा प्लस b स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos थीटा. अब करेक्ट है? चेंज करते हैं रो थ्री, चेंज आज रो थ्री माइनस रो वन एंड रो टू, चेंज आज रो टू माइनस रो वन. तो ये क्या बचा? कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर इनटू वन माइनस कॉस थीटा, देन माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा. करेक्ट. Then b square into 1 minus cos theta, then only cos theta 0. Then c square into 1 minus cos theta 0, cos theta. Ab ho jayega? और क्या कर सकते हैं? तीनों को ऐड कर सकते हैं. कलम वन चेंजेस कलम वन प्लस कलम टू प्लस कलम थ्री, क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस सी स्क्वायर कॉस थीटा. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे ना. हाँ. तो सिर्फ माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. करेक्ट. यस सर. वन बचेगा. हाँ, वो वन हो गया. समझाइए. ये जीरो, ये जीरो. हो गया? यस सर.
तो इट इज ओनली प्लस कर दे। क्वेश्चन क्या था? सिंप्लीफाइड टू प्लस था। सर यही था। हो गया। सेवेंटीन क्वेश्चन तो था ना इसमें, 17-18 आई थिंक असाइनमेंट में थे। नहीं नहीं 17 नहीं, 17 नहीं, 17 नहीं 18 था शायद, 18 जैसा था पर 17 जैसा, 18 जैसा कुछ मतलब 18 एग्जैक्टली 18 जैसा कुछ था बट 17 नहीं। ये जो प्रूव दैट था, प्रूव दैट पार्ट शायद नहीं था बट 18 का तो क्वेश्चन मुझे लग रहा था इसमें सर। 18 का तो 18 क्वेश्चन था, 17 नहीं था, 17 नहीं था मुझे लग रहा है 17। ओके क्वेश्चन ऐसा लग रहा था। ठीक है AP plus Q plus R is equal to 0, then prove that. ये जो सर्कुलेंट वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा ना। इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। इसको इफ यू एक्सपांड दिस वन देन क्या मिलेगा आपको? पी क्यू आर इंटू ए क्यू, देन पी क्यू इंटू ए बी सी। यू गॉट माय पॉइंट? एक्सपांड करो तो पी ए इंटू आर ए इंटू क्यू ए, तो क्या मिला आपको? पी क्यू आर इंटू ए क्यू माइनस ये जब मल्टीप्लाई होगा देन पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी दैट इज पी क्यू इंटू ए बी सी। हम ये करें? यस सर। सेकेंड वन क्या होगा? माइनस क्यू बी इंटू माइनस क्यू बी इंटू दिस थ्री, मतलब माइनस क्यू क्यूब ए बी सी प्लस QB into this two, that is BQ PQR. Correct. Then plus RC into RC into QC PC, मतलब आपका PQ R into CQ minus RC into RA RB, that is R cube ABC. तो अब PQR को कॉमन रखोगे then you have AQ plus BQ plus CQ.
माइनस एबीसी कॉमन रखोगे देन यू हैव पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू. आज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन p plus q plus r equal to zero तो फिर जो p q plus q q plus r q कितना होता है 3 p q r 3 p q r 3 p q r तो मैं इसके जगह लिख सकता हूँ 3 p q r which is p q r then a q plus b q plus c q minus a b c into 3 p q r टोटल से पी क्यू आर कॉमन गया देन यू हैव ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी व्हिच इज द पी क्यू आर. दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट सो द सेकंड डिटरमिनेंट दिया हुआ है यस ए बी सी बी सी ए सी ए बी में इसका नेगेटिव आता है तो इसका माइनस होगा तो कहीं ना कहीं कोई दो रो इंटरचेंज हुआ होगा ऐसा ए बी सी देखो सी ए बी दिया गया देन बी सी ए दिया गया ठीक है ना विच इज पी क्यू आर इंटू ए बी सी इसको हम सर्कुलेंट बोलते ना सर्कुलेंट का रिजल्ट दिया था माइनस ऑफ दिस तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया ए बी सी ये दोनों को इंटरचेंज होकर दिया तो क्या मिल जाएगा सी ए बी हो गया एक्चुअली ये रिजल्ट ही है 18 जरूरत नहीं दो डिटरमिनेंट करोगे यस ये लग जाएगा मतलब ये रिजल्ट लगेगा 18 हुआ था प्लस without expanding your determinant at any stage so that our determinant of order 3 not involving x the sum of two determinants karenge okay ए बी में कोई एक्स नहीं रहेगा ये फैक्टराइज हो रहा है जो फर्स्ट कॉलम का ये दे रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लीकेशन टू सम इज द थ्री माइनस फिर नहीं होगा देखते
एक तो कॉन्स्टेंट टर्म में जा रहा है जो कलम थ्री, इफ आई चेंज कलम थ्री एज कलम थ्री माइनस कलम टू, कलम थ्री पूरा कॉन्स्टेंट में जाएगा। कलम कलम वन को कैसे मतलब ब्रेक करोगे सर, रूट के फॉर्म में लिखे तो मुझे लग रहा है कॉलम वन से सर आप सारे मतलब उसको ब्रेक करके आप लिख सकते हो। कलम वन से पहले तो डिग्री टू को हटाना है। यस हाँ, डिग्री टू को हटाना तो है वो तो हट जाएगा ना सर, अगर आपने कॉलम वन से सब कांस्टेंट टर्म सेपरेट करके दूसरा डिटरमिनेंट बनाया जस्ट एक्स को मतलब से एक्स फिर आप कॉमन ले लोगे ना कॉलम वन से। सो जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उसको ब्रैकेट में डाल दोगे फिर दो डिटरमिनेंट्स बन सकते हैं जिसमें कि एक एक्स स्क्वायर का डिटरमिनेंट। एक्स स्क्वायर टर्म क्या बोल रहे हो सर? एक्स स्क्वायर के अलग डिटरमिनेंट में आएगा जिससे कि एक में सिर्फ एक्स के टर्म्स रहेंगे। ओके बट वो तो कहीं ना कहीं इसको इक्वेट करना पड़ेगा ना, मतलब इसको अलग रखना। ये कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि रो टू, इफ आई चेंज रो टू आज रो टू माइनस ऑफ रो वन प्लस रो थ्री, तो वो एक्स स्क्वायर तो जा रहा है, ये जीरो भी मतलब कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो रहा है। यस यस बट ये कंस्टेंट होने से एक रो तो ठीक है कंस्टेंट हो गया, बट फायदा क्या होगा फिर आगे जाके? ये आपका कितना हो गया माइनस फोर, ये हो जाएगा जीरो, ये होगा ये भी जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। डबल जीरो आ गया बट वो बोल रहा है कि एक्सपांड नहीं, नहीं कर सकते सर, और मैं तो खत्म ही था क्वेश्चन। देखते x plus 1 को हम लोग x minus 2 plus 3 लिख देंगे और फिर वो x कर देंगे तो x plus 1 को x minus 2 plus 3 और फिर वो दो डिटरमिनेंट बना देंगे तो एक जीरो आ जाएगा। इधर इधर बोल रहे हो कि बिगिनिंग से? नहीं सर, वो जो रो वन में है x प्लस वन, तो उसको x माइनस टू प्लस थ्री लिख देंगे, फिर
फिर वो प्लस वो दो डिटरमिनेंट कर देंगे तो फिर x माइनस टू जीरो टू x माइनस वन दोनों कॉमन है ना तो जीरो हो जाएगा वो डिटरमिनेंट. पर लेकिन हमें x एलिमिनेट करना है जीरो बना के. जीरो करके क्या करना है? ऐसे ही तो ये मिल गया, मतलब ये सीधा सीधा मिल गया. बट वो बोल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक एक्स स्क्वायर एलिमिनेट होना चाहिए, एक एक्स कॉमन जाना चाहिए, मतलब सम ऑफ टू डिटरमिनेट करके एक एक्स कॉमन जाएगा. सर ए और बी जीरो हो सकता है ना? उसमें रेखा थोड़ी कि कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. सर ए और बी में से कोई एक जीरो भी तो हो सकता है ना? उसमें लिखा थोड़ी है कि जीरो नहीं हो सकता. नहीं नहीं, वो बोल रहा है कि ए बी 3/3 डिटरमिनेंट होगा. हाँ, उसका जो भी जीरो होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वो दोनों डिटरमिनेंट में कोई एक्स नहीं होना चाहिए. एक्स भी नहीं. सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, मतलब ये ऑब्जेक्टिव तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट दिया है तो करेंगे. अच्छा, पहले से एक्स स्क्वायर को हम रख के दो डिटरमिनेंट बनाएंगे, एक दो. वो एक्स स्क्वायर को कैसे उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा. सर x स्क्वायर प्लस x को x इनटू x प्लस 1 कर देंगे, फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x को x इनटू 2x प्लस 3, फिर वैसे करके. क्या बोल रहे हो? x स्क्वायर x इनटू x प्लस 1, ये इसको. और फिर दूसरे और तीसरे में भी वैसे ही x कॉमन करके दो डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं. इसमें इसमें कैसे x ले लोगे? x into 2x plus 3 ऐसा, फिर minus 1. तो मतलब वो कह रहा है कि दो डिटरमिनेंट बना रहे हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म. मतलब सर बोल रहा है सर कॉलम 1 को आप तोड़ दो और फिर उस तरह से x कॉमन लेके दूसरा डिटरमिनेंट बना सकते हैं. तो बट मैंने वो ट्राई किया सर, फिर वो x एलिमेंट होता ही नहीं. होगा होगा, रुको उस तो करेंगे. इसको मैं तीन डिटरमिनेंट बनाता हूँ, एक x स्क्वायर, टू x स्क्वायर, x स्क्वायर, x प्लस 1, 3x, 2x माइनस 1, x माइनस 2 और 3x माइनस 3, 2x माइनस 1. ठीक है, सेकंड इसका कॉलम 1 चेंज हो जाएगा, क्या होगा? x 3x माइनस 1, नहीं 3x 2x, मैं दो बनाओ, x 3x माइनस 1, 2x माइनस 1, क्योंकि ये जाएगा. तो इसमें हम फिर फंस जाएंगे. अब इसको ट्राई करो कि ये जीरो करने के लिए, ये पहले जीरो होना चाहिए. ये जीरो होगा तो इसमें मैं क्या करूंगा, अब कॉलम वन चेंज ये कांस्टेंट में आ जाएगा, मतलब कॉलम टू माइनस कॉलम वन कर देंगे तो ये कांस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट में आ जाएगा. बाकी उसमें x कॉमन लेके दो डिटरमिनेंट बना देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं. बाकी इसमें जीरो हम कर देंगे तो हो जाएगा. इसको समझ में आया ना? हम इसमें चेंज करेंगे कॉलम टू चेंज एज कॉलम टू माइनस कॉलम वन, एंड कॉलम थ्री चेंज एज कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन.
सो दैट ये क्या हो जाएगा x 3x minus 1 2x plus 3 और देन आपका 1 ये भी 1 ये आपका माइनस 4 करेक्ट ना माइनस टू माइनस 4 ठीक है। अब इसको मैं दो डिटरमिनेंट इजीली बना सकता हूं ये क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस टू थ्री एक्स वन माइनस टू टू एक्स माइनस फोर प्लस जीरो वन माइनस टू थ्री एक्स माइनस फोर देन माइनस वन वन माइनस टू देन थ्री माइनस फोर करेक्ट ना। अब इसमें हम x कॉमन ले लेंगे x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन टू थ्री तो ये ए एक्स प्लस बी का पार्ट तो आएगा ये जीरो करना है मुझे इसको कैसे जीरो होगा ना वन थ्री टू होगा वन थ्री टू ये बन गया। बाकी फर्स्ट वन को कैसे एक्स स्क्वायर को हटाना था वो थोड़ा सोचो उसके बारे में क्या करने से रहेगा अच्छा हम क्योंकि इसका डिफरेंट कोएफिशिएंट मिला कोई सुनो अच्छा और एक काम कर सकते हैं और रो टू चेंज करेंगे रो टू माइनस टू टाइम्स ऑफ रो वन तो क्या होगा हाँ सर पहले ही दो एक्स स्क्वायर कट हो एक्स स्क्वायर ये चला जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हटाने के लिए सर आर थ्री माइनस आर वन कर देंगे तो आर थ्री वाले कट हो जाएगा आर थ्री माइनस आर वन तो फिर आर थ्री वाला एक्स स्क्वायर कट नहीं आर थ्री वाला चेंज हो गया ना आर थ्री चेंज हो गया उसमें लीनियर आ जाएगा ए ए एक्स स्क्वायर को कैसे हटाएंगे क्योंकि इधर कंस्टेंट नहीं रहा यहाँ पे कंस्टेंट हो जाता सर पहले वाले में आर वन प्लस आर थ्री माइनस आर टू करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मतलब पहले वाले में और जीरो जीरो आ जाएगा पहले क्या करेंगे बट जो और जो रहेगा ना एक्स स्क्वायर उसको क्या करेंगे वो तो सर आता है एक्स सर आर वन प्लस आर थ्री माइनस आर टू करेंगे तो फिर पहले डिटरमिनेंट में रो वन में क्या आएगा फोर जीरो और जीरो आएगा तो फिर उसके हाँ। से तो एक्स ही आएगा ना नहीं सर आता है एक्स एक तो आर टू माइनस टू आर वन कर देंगे और आर थ्री माइनस आर वन फिर वो आर वन वाला एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं एक मिनट आर थ्री माइनस आर वन यही बोल रहे हो ना आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री चेंज आ जाए आर थ्री माइनस आर वन यही बोल रहे हो आर टू माइनस टू आर वन हाँ सर फिर सेकंड और थर्ड का तो एक्स पे चला जाएगा
हाँ ये तो गया, तो फिर x square plus x बचेगा, तो फिर हम लोग एक कर देंगे कि x square एक में और दूसरे में x, तो adding determinant column one से आता है, क्योंकि फिर नहीं सर वैसे नहीं, नहीं क्या करोगे इसके बाद, क्या करोगे ये सर, तो ये बचा, हाँ सर, तो फिर x स्क्वायर x प्लस वन x माइनस टू जीरो थ्री एक्स माइनस थ्री जीरो टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन प्लस और कर देंगे, मतलब आता है वो बता सर, जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इधर आएगा, तो फिर इधर आना चाहिए, वो भी देखो इधर से हम कर सकते हैं, आप जो बोल रहे हो सब कुछ इधर हो रहा है तो फिर इधर होना चाहिए, सर वो फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन निकाल के हम रो टू माइनस रो वन कर सकते हैं, बट वो बोल रहा है कि x रो टू माइनस रो वन करने से जीरो दिखाई दे रहा है क्या, ये मैं बोल रहा हूँ, तो रो टू माइनस रो वन से तो कुछ नहीं होगा, वो x कॉमन निकालने के बोल रहा है, कहाँ से, इधर से, ये तो जीरो आएगा ही आएगा, इसका कोई ये नहीं, ये जीरो रहेगा, बट कैसे जीरो करना है विदाउट एक्सपेंशन वो है, तो जैसे आपने पहले दो जीरो बनाए थे वैसे करके फिर आगे उसके आगे देख सकते हैं कुछ, सर आर टू माइनस आर वन माइनस आर टू को आर टू माइनस आर वन माइनस आर थ्री करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्या आर टू को आर टू माइनस आर वन माइनस आर थ्री, वो तो पहले किया था ना जिसमें दो जीरो आ रहा है, वो दो जीरो आ रहा है, वो तो ठीक है, वो दो जीरो आ रहा है, बट वो बोल रहा है कि उसको बिना एक्सपैंड किए, बिना एक्सपैंड किए वो तो हमारा पहले से हो गया था, नहीं सर पर इस वाले में तो ये पूरा जीरो ही हो गया ना, तीनों जीरो, कहां जीरो हुआ, तीनों जीरो हो गया क्या, हाँ सर, नहीं एक माइनस फोर रहेगा ना, नहीं 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 अब प्लस करेंगे बराबर बोल रहा है, हो गया हो गया हो गया, हाँ हाँ तीनों जीरो हो गया, करेक्ट है, आर टू चेंज जीरो आर टू आज आर टू माइनस आर वन माइनस आर थ्री, तो ये जीरो हुआ, ये दोनों का एक्चुअली ये दोनों का सम है ना, ये दोनों का सम करेंगे तो ये तो जीरो, मतलब ये कंस्टेंट हट गया, माइनस कर देंगे तो ये भी जीरो हुआ, ये दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, माइनस थ्री हुआ, हाँ सर जीरो है, हाँ करेक्ट है, अभी एक्सपेंड नहीं हुआ, राइट, हाँ सर हो गया, तो ये बन गया जीरो, करेक्ट है, हो गया ना, समझा, ये रो टू चेंजेस रो टू माइनस ऑफ रो वन प्लस रो थ्री, तो ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो, तो एक्सपेंड करना नहीं पड़ेगा, approve that AB plus BC plus CA का whole cube, ऐसा question किए थे, नहीं
सर ऐसा शायद लास्ट असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन जो हुआ था, हाँ लास्ट असाइनमेंट में ही था, वो भी मैं बता देता हूँ। 31 क्वेश्चन आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 31, एक बार चेक करो ना मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन yes, सर सेम है, सेम सेम ना, हाँ सर सेम, हाँ हाँ एग्जैक्ट क्वेश्चन है। मतलब वो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ऐसे करके कमांड लेके फिर करना पड़ेगा। 23 फिर एबीसी और नॉन जीरो डिस्टिंग सॉल्व करो। ओके ये तो हो जाना चाहिए। माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स माइनस ए सॉरी क्यू देन एक्स प्लस सी अच्छा सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है तो आई एम डूइंग रो थ्री एज रो थ्री माइनस रो टू, क्या होगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब कैंसल्ड, थ्री ए स्क्वायर बी, तो थ्री ए बी स्क्वायर बी क्यूब, ए कॉमन जाएगा प्लस होगा ना, करेक्ट है। रो थ्री, रो थ्री चेंजेस रो थ्री माइनस रो टू, यस नो, इसमें सब कुछ नहीं सर, वो बराबर बट ये ए को फिर क्या करेंगे,
तो टू बाहर निकाल देंगे, देखते हैं। अभी चेंज करेंगे, अगेन रो थ्री चेंज करो, रो थ्री माइनस 38 टाइम्स ऑफ रो वन में ट्रैक, मतलब सो दैट क्या होगा, एक्स स्क्वायर टर्म हट जाएगा, करेक्ट ना। तो ये हुआ ए क्यूब प्लस 4AQ आ जाएगा। Is it clear? मतलब 4 निकाल देंगे तो 8 होगा। Am I correct? कि ना? 4b क्यूब कैसे आएगा? वो a से मल्टीप्लाई कर दिया ना? इसमें 3a मल्टीप्लाई किया। तो इसके कितने सॉल्यूशन हैं? हाँ? मतलब क्योंकि 0 का सेटिस्फाई कर रहा है आंसर में। अगर 0 डालते हैं तो आता आंसर। हाँ। जीरो डाल के आप चेक कर रहे हो कि सैटिस्फाई तो होगा ही होगा, तो सर फिर हो गया ना सर, और कुछ नहीं मिल रहा है क्या? सब पता नहीं। हाँ सर, उसका पता नहीं और कुछ मिलेगा कि नहीं, पर जीरो कर तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता नहीं ना, उसने लिखा नहीं कि इतने वो सॉल्व कर बोल रहा है ना, सॉल्व करने के लिए सर हमें जीरो डाल, जीरो दिखाना, थोड़ी प्रूफ करना ना। वो जीरो प्रूफ करना नहीं है, वो प्रूफ इसका सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। अच्छा हाँ समझा, एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसमें कितने डिग्री इक्वेशन आ रहा है, डिग्री 8 आ रहा है, आप सिंपलीफाई करोगे तो 8 डिग्री, डिग्री 8 आ रहा है। हाँ सर, तो एक्स इक्वल टू जीरो तो सैटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाता है, तो जीरो मतलब सैटिस्फाई करेगा ही करेगा, वो तो कोई इशू नहीं। ठीक है, ये समझा कि नहीं? व्हाट इज रो 3 चेंजेस रो 3 माइनस 3 टाइम्स 3 8 टाइम्स ऑफ रो 1, नहीं नहीं 3 8 टाइम्स, अरे अरे तो फिर नहीं होगा ना सर, सेकंड में तो बी आ गया। हां सेकंड में बी आ गया, नहीं तो फिर ऐसे रहने, अब इसको दो डिटरमिनेंट बना जाए क्या? ये गलत है, ये ए को कैसे हटाएंगे?
अच्छा तो इससे पहले प्लस करेंगे तो क्या होगा? प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो उसके 2x क्यूब आएगा, x क्यूब और ये डबल होगा ना? हाँ सर, प्लस वाले टर्म डबल है, 3xa2। अच्छा अभी इसमें x मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो a क्यूब फिर से आ जाएगा। हाँ एक क्यूब आने दो, एक क्यूब आने दो, ये तो यहाँ से हट गया ना, एक्स क्यूब टर्म हट गया। एक मिनट, प्लस करो, प्लस करो, माइनस में नहीं है, प्लस करेंगे। समझा, ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3xa2 ना? हाँ हो गया है, 3xb2 x3 3xc2 करेक्ट ना? अब चेंज करो, अभी फिर रो टू चेंज करो, रो टू चेंज आज रो टू माइनस रो थ्री तो क्या होगा? x2 माइनस a2 x2 माइनस b2 x2 माइनस c2 x क्यूब हट जाएगा। yes. आपका 3xa2 प्लस में भी है, वो भी हटेगा, इसका होल क्यूब क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x2a प्लस 3xa2 माइनस a क्यूब है ना? Yes. हाँ, तो ये दोनों जब माइनस हो जाएगा तो आपका ये दोनों बचेगा, इसका भी डबल आ जाएगा, ठीक है ना? ये दोनों का नहीं, डबल नहीं, सिंगल रहेगा, तो माइनस कॉमन जाएगा, देन 3x2 a प्लस a क्यूब, am I correct? 3x2 b प्लस b क्यूब, 3x2 c प्लस c क्यूब हो गया, और ये आपका एक्स क्यूब प्लस 3xa2 एक्स क्यूब प्लस 3xb2 एक्स क्यूब प्लस 3xc2 करेक्ट? यस। अब चेंज कर रहा हूं, रो टू चेंज आज रो टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो वन, 3x रो वन, नो 3 रो वन, एंड रो थ्री चेंज आज रो थ्री माइनस x इंटू रो वन, आई करेक्ट? So that ये टर्म आपका हटेगा। x square minus a square, x square minus b square, x square minus c square, ये तो माइनस इसके साथ ये हो गया, एडजस्ट हो गया, तो रो टू चेंजेस 3 टाइम्स ऑफ रो वन, सर 3a रो वन करता है, इजी पड़ेगा, नहीं ये करेंगे तो फिर इसमें क्या करेंगे, फिर ए करेंगे तो सब में इधर। अच्छा तो फिर तो 4 टर्म आएंगे, पर कुछ मतलब ही नहीं है, फायदा नहीं हुआ ना। ये फायदा नहीं हुआ, रो थ्री वाला पैदा हो रहा है। हाँ सर, रो थ्री क्या हो जाएगा, रो थ्री चेंज आज एक्स टाइम्स ऑफ रो थ्री कितना होगा, 2x a स्क्वायर एक्स
क्यूब कैंसिल हो गया, नहीं माइनस हो रहा है ना, फोर हो जाएगा, फोर एक्स ए स्क्वायर है ना, फोर एक्स बी स्क्वायर, फोर एक्स सी स्क्वायर, फोर एक्स आप कॉमन ले सकते हो। माइनस तो जीरो के साथ कैंसिल, ये हो गया ना, ये जो माइनस था ना, ये जो टू था वो भी जीरो के साथ एडजस्ट हो गया, ये राइट साइड आपका जीरो चल रहा है ना। ओके, मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, ये रखो, यहां से ए को कैसे ये किया जाए, रोन पर सोफी कर सकते, वो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, वन 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 आ जाएगा, ठीक है चलेगा, इक्वल टू जीरो। अभी करते हैं रो वन चेंजेस रो वन प्लस और रो थ्री, तो क्या होगा, ये हटेगा, वन आ जाएगा पूरा ऊपर, फोर एक्स क्यूब इनटू जिसमें वन आएगा, हाँ फिर एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, दैट इंप्लाइज कितना मिला, फोर एक्स क्यूब वन 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 आपका थ्री एक्स स्क्वायर ए प्लस ए क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, अभी हो जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सर रो थ्री रो टू माइनस, नहीं सर ठीक है, अभी एक करते हैं, रोट कलम टू चेंजेस कलम टू माइनस कलम वन एंड कलम थ्री चेंजेस कलम थ्री माइनस कलम वन, ठीक है, तो ये फोर एक्स क्यू फोर भी आप हटा सकते हो, देन वन जीरो जीरो, ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन, देन बी माइनस एक्स and then bq minus aq, correct na? Then 3x square come on c minus a, then cq minus aq. Then a square b minus a, b square minus a square, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी कॉमन चला गया, विच इज फोर एक्स क्यूब ठीक है, इसमें बी माइनस ए कॉमन जाएगा, इसमें सी माइनस ए कॉमन होगा, ये कहीं पे कैंसिल हो जाता तो अच्छा होता, फिर माइनस कर दो, सो दैट एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होगा, आपको अभी चेंज करो कलम थ्री चेंजेस कलम थ्री माइनस कलम टू कर दो, माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए कर देता हूं,
ये कितना होगा, 3x square cancelled, a square cancelled, then c square minus b square plus आपका a common c minus b, then c minus b, again c minus b common चला जाएगा, then ये a plus b plus c, ये one, ये प्लस होगा, इसका कोई मतलब नहीं। इसका आंसर ये की दिया गया क्या कि नहीं? नहीं, इसमें क्या होगा? ये तो चलिए है ना, तो अभी कर लेते एक्सपांड, बहुत हाँ वो तो और कुछ नहीं होगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, तो 3x square plus a square plus b square plus c square minus ab minus b square minus bc minus ac, क्या कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, तो आपको c square कहाँ से आया? वो ab होना चाहिए। माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, करेक्ट ना? तो एक तो ए बी, ए बी कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बी स्क्वायर जा, बी स्क्वायर में जा, कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर जा तो एक एक्स जीरो हुआ, क्योंकि ये तो सब नॉन जीरो, तो उसको हटा सकते हैं बस। हाँ तो एक्स जीरो होगा और एक ये जीरो होगा, ए टर्म जीरो होगा, तो देन थ्री एक्स स्क्वायर क्या मिला? थोड़ा कुछ ऑड में दिखाई दे रहा है, तो सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है, सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है ये डिटरमिनेंट, तो बी का टर्म बच जा रहा है, बी सी डबल आ रहा है, ए सी मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए, थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, ऐसा कुछ आना चाहिए था, आपके पास की रहेगा ना इसका? मैं कहां से दिया, मैं कहां से दिया था वो भी याद नहीं, देखते ये कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा क्वेश्चन पहले कहीं पे किया, मतलब वो ऐसा आना चाहिए थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई थिंक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ये, नहीं तो माइनस ए बी माइनस बी सी सी ए, नहीं तो इसका नेगेटिव उसका ये, ऐसा कुछ आना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक किया क्या? अच्छा टाइम हो गया, अच्छा ठीक है, और नेक्स्ट क्लास इधर से कंटिन्यू करेंगे, ये होगा होगा, हम कहीं पे मिस कुछ तो गड़बड़, एक और बार ट्राई करते हैं इसको। ये कहाँ तक हुआ? 22 तक बच्चा है, 23rd भी था ना, ये 23 हो गया, बाकी रखते इधर से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। हाँ हाँ कुछ क्वेश्चन हुआ तो आपको हो जाएगा। हाँ चलो, थैंक यू।
इसको मैं करके देता हूँ, करके यही पीडीएफ में डाल दूंगा, ये हो जाएगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो। ठीक है, चलो बाय एंड थैंक यू। थैंक यू। बाय।